हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ क्लास की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के पोएट्री सेक्शन की फर्स्ट पोयम माय मदर एट 66 इसको समझने जा रहे हैं। इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं कि माता जी की उम्र इसमें अभी क्या बता रही है। 66 यानी कि 66 साल। तो अपने माता जी के बारे में हम अक्सर बचपन में माता पिता के बारे में हमें रहता है कि हमारे माता पिता हमें कभी छोड़ ना जाए इस दुनिया से, तो ये डर इस जो पोएट है इनको भी है। तो वो डर साफ पोएम में दिख रहा है और वो उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी माताजी की उम्र कुछ ज़्यादा बची नहीं है। तो हम देखते हैं अभी जो पोएट है वो अपनी माताजी के साथ ड्राइविंग करके जा रही है कहीं। देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बेसाइड मी, कि मेरे माता पिता के घर से कोची जाते हुए पिछले शुक्रवार मैंने मेरी माता जी को देखा जो मेरी साइड में बैठी हुई थी। यानी कि ये कार से जा रहे हैं या टैक्सी से जा रहे हैं, तो इनकी माता जी, ये जो पोएट है, इनकी माता जी इनके साइड में बैठी हुई है। डोज ओपन माउथड, हर फेस एशन लाइक डेट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। अब इनकी माताजी को उन्होंने देखा तो माताजी कैसी लग रही है? डोज यानी कि अल्प निद्रा में वो है, वो आप कह सकते हैं कि वो ऊंग रही है। ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ है, और हर फेस एशन, और उनका जो चेहरा है, एश मतलब होता है राख। राख मतलब जब कुछ भी नहीं बचता है, तो अपन लास्ट टाइम कहते हैं कि भाई क्या बचा, राख, राख बच गई केवल। तो माता जी की उम्र 66 है, तो उनमें भी अब कुछ खास सौंदर्य उनका बचा नहीं है, झुर्रियां पड़ चुकी है। तो इसलिए यहां पर पोएट उनको कह रही है कि एशन लाइक यानी कि राख के समान कुछ बचा नहीं है। डेट ऑफ ए कॉप्स, जैसे कि कोई मुर्दा हो, कोई शव हो। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और बड़े ही दर्द के साथ मैंने ये महसूस किया। डेट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, मैंने पाया कि वो उतनी ही बुढ़ी है जितनी कि वो दिखती है। यानी कि वो जितनी जैसी दिख रही थी वो उतनी ही बुढ़ी थी, यानी कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, वो बहुत ही वृद्ध थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही ये जो विचार है ये मुझे परेशान करता है। परेशान क्यों करता है? क्योंकि लेखिका को यह ख्याल आता है कि लगता है कि अब उनका उनकी माताजी के साथ ज्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए तुरंत ही इस विचार को उन्होंने त्याग दिया। वो कह रही है बट सून पुट दैट थॉट अवे, कि मैंने इस विचार को ही दूर कर दिया। एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और मैंने इस विचार को त्यागने के तुरंत बाद मैंने बाहर, अब कार से बाहर जाकर स्टार्ट कर दिया है, जहां पर मैंने देखा कि जो पेड़ हैं स्प्रिंटिंग का मतलब होता है पूरी ताकत के साथ भागना। अब पूरी ताकत के साथ पेड़ कैसे भाग रहे हैं? कार जा रही है, कार की आप स्पीड जानते ही हैं, नॉर्मली बहुत तेज होती है कार, बहुत तेज रन करती है। तो ऐसी स्थिति में जो पेड़ है वो बहुत ही, आप कह सकते हैं बहुत ही फास्टली वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो यहां पर आया है ट्रीज स्प्रिंटिंग। फिर आगे आया है द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। स्पिलिंग आउट का मतलब होता है बहना। आप कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। तो अब जो लेखिका है उनको इन पेड़ों को देख करके और इन बच्चों को देख करके अच्छा महसूस हो रहा है, और उन्होंने वो विचार त्याग दिया अपनी माता जी की उम्र वाला। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब लेखिका एयरपोर्ट पहुंच चुकी है, और जहां पर उनकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है उसके बाद लेखिका जा रही है, माता जी उनको ड्रॉप करने आई है। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कि कुछ कदम दूर खड़े होकर के आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से मेरी माता जी को देखा। वेन पेल, अब माता जी फिर मुझे वही अवस्था दिखेगी, ऐसा तो ये नहीं कि अब स्वरूप में बदलाव आ गया है। तो वो फिर से देख रही है अपनी माता जी को कि वही बेरंग, वेन मतलब कि बेरंग, पेल, पेल मतलब भी आप कह सकते हैं कि पीला पड़ना, या फिर आप यही कह सकते हैं कि वृद्धावस्था में जो चेहरा जो दिखता है उसको आप क्या कह सकते हैं,
एज पेल बोल सकते हैं, वेन एंड पेल बोल सकते हैं, एज ए लेट विंटर्स मून। इस बार तुलना की गई है, पहले तो तुलना किससे करी थी, जैसे कि मुर्दे के समान, लेकिन अब तुलना हुई है किसके समान, विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून की, सर्दियों के चंद्रमा की भांति, जिसका कोई तेज नहीं होता है, जिसमें कोई खास आभा नहीं होती है, उसके समान माताजी उन्हें फिर दिखी है। एंड फेल्ट डेट ओल्ड फेमिलियर एक, और फिर से वही पुराना परिचित दर्द उठा है लेखिका को, दर्द वही है ये जो पोएट है कि इनकी माताजी इनको अब छोड़ के जल्दी ही जा सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा वृद्ध हो गई है। माय चाइल्ड हुड्स फियर, मेरे बचपन का जो डर था वो फिर सामने आ गया, जो चिर परिचित, जो मुझे दर्द बचपन में जो डर था वो आज फिर दर्द बन के आ गया है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन फिर भी मैं इन सारी बातों को छोड़ करके, हिम्मत करके, मैंने केवल मैं यही कह पाई थी, क्या कह पाई थी, सी यू सून अम्मा, मतलब एक पॉजिटिव थिंकिंग आई है यहां पर फिर से पोएट को, और वो कह रही है कि जल्दी मिलेंगे अम्मा, हो सकता नहीं भी मिले, लेकिन वो एक पॉजिटिव थिंकिंग लेकर ही चल रही है, और उन्होंने कहा है सी यू सून अम्मा। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल, और मैं जो कर सकती थी या जो मैंने किया वो क्या किया, मैं उनकी तरफ मुस्कुराई, यानी कि मैंने मुस्कुराहट के साथ उन्हें कहा कि सी यू सून अम्मा। तो इस तरह से बहुत ही मार्मिक ये पोयम है, एक लेखिका है जिनकी माताजी की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो उनके बारे में पूर्वानुमान करने लगती है कि ऐसा ना हो कि मैं छोड़कर चली जाए। तो इस तरह की पोयम है, पोयम बहुत ही अच्छी है। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। थैंक्स।